हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ महाराष्ट्रियन बटाटा पोहा की रेसिपी शेयर करूंगी। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जल्दी से ये पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है चूड़ा यानी कि पोहा, जिसे मैंने अच्छे से पानी से वॉश किया है और उसके पानी को अच्छे से निचोड़ ली हूँ। आगे के स्टेप में हमने कुछ सामग्री लिया है, जिसमें है बारीक कटे हुए आलू, बारीक कटी हुई प्याज और मिडिल से कट किए हुए हरी मिर्च। साथ ही ली हूँ बारीक कटे हुए धनिया पत्ता, कुछ कड़ी पत्ता और कच्चा बादाम। तो दोस्तों, आगे के स्टेप में हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पर कढ़ाई। कढ़ाई में हम बादाम को ऐड करके इसे हमें रोस्ट कर लेना है। तो दोस्तों, लगभग 50-55 सेकेंड हमें इसे रोस्ट करना है, ताकि हमारा बादाम अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो इसी तरह से चलाते हुए हम इसे रोस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है और ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो गई है। तो चलिए, अब इसे हम अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आगे के स्टेप में हम इसी कढ़ाई में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है। कुकिंग ऑयल को डालकर हल्का सा हमने गर्म होने दिया और उसके बाद मैंने इसमें सबसे पहले ऐड किया है जीरा, साथ ही इसमें ऐड की हूँ सरसों। इन दोनों चीज़ों को डालकर 10-15 सेकेंड्स के लिए चटकने देना है। 10-15 सेकेंड्स के बाद मैंने इसमें बारीक कटे हुए आलू को ऐड कर लिया है। दोस्तों, आलू को डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और आलू को हमें हल्का पकने तक इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो दोस्तों, लगभग हम इसे 1-1.5 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि हम जो रोस्ट किए हुए बादाम है उसके छिलके उतार लेते हैं। तो इस तरह से कर देने से छिलके जो हैं उतर जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा आलू जो है देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। हल्का आपको जो है कलर चेंज इसका नज़र आ रहा होगा। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही इसमें मैंने मिडिल से कटे हुए हरी मिर्च को ऐड कर लिया है। इन सभी चीज़ों को डालकर मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया और इसी तरह से लगभग इसे 50-60 सेकेंड्स के लिए पका लिया है। दोस्तों, तो इसी तरह से हमें बीच बीच में इसे चलाते हुए अच्छे से इसे पका लेना है। आगे इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, लगभग मैंने इसे 50-60 सेकेंड्स के लिए पका लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को डाल लेने के बाद अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल ले। इन दोनों चीजों को डालकर हमें इसे अच्छे से चला लेना है। तो दोस्तों, इसी तरह से चलाते हुए मैंने इसे 20-30 सेकेंड्स के लिए पका लिया है। आगे अब इसमें हम रोस्ट किए हुए बादाम को ऐड कर लेंगे। इसे भी डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे भी लगभग हम इसे 20-30 सेकेंड्स के लिए पका लेंगे। तो दोस्तों देखिए, सभी चीज़ें अच्छे से पक गई और हमारा आलू भी अच्छे से पक गया है। तो अब इसमें हम भिगोए हुए पोहे को ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, इसे कढ़ाई में ऐड करके हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो दोस्तों, इसी तरह से मिक्स करते हुए हम लगभग इसे 1-1.5 मिनट के लिए पका लेंगे।
तो दोस्तों ये अच्छे से मिक्स हो गई है और देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। तो अब इसमें हम धनिया पत्ता डालकर गार्निशिंग दे देंगे। तो दोस्तों कढ़ाई में धनिया पत्ता को डालकर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और चलिए फ्लेम को कर लेते हैं ऑफ और अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो नींबू का रस ऊपर से डालकर इसे सर्व करें। दोस्तों ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। ऐसी ही इजी और स्वादिष्ट रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक कि चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।